हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूँ भारती। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास मिनी एस्टर हैं। तो एक्चुअली मैंने ये 2-3 साल पहले एक बार प्लांट इसके लगाए थे, तो इसका एक प्लांट जो है मैंने यहाँ पर भी लगाया था, शायद एक से ज़्यादा थे 2-3 प्लांट्स से। उसके बाद मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया पॉट को, क्योंकि इसमें इसको मैंने ऐसी जगह पर रखा हुआ था पहले, जब वहाँ पर मतलब कि मैं ज़्यादा जो गुडाई या फिर पॉट की छेड़छाड़ या फिर उसको देखना नहीं करती हूँ, वो थोड़ी सी पीछे होता है, तो जिस वजह से विजिबल नहीं होता है। और ये जो इसकी साइड थी वो बिल्कुल बाहर की तरफ थी, जिसको देखना पॉसिबल नहीं था। तो लास्ट विंटर में भी ये प्लांट्स जो हैं आप देख रहे हो एस्टर के, ये ग्रो हुए थे। तो इसकी छोटी छोटी पौध ही लाई थी मैं। तो अभी आप देखिए, ये बिल्कुल मेरे नेल के साइज़ के हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। अगर कहा जाए तो ये मिनी एस्टर हैं। मेरे ख्याल से ये वैरायटी नहीं होती है। तो मेरे पास ये समर में इसकी जो सीडलिंग है अपने आप यहाँ पर गिर के ये ग्रो हुई हुई है। मैंने इसका एक भी सीड निकाल के भी नहीं रखा, ना ही मैंने इसको कभी ग्रो किया है। तो अपने आप यहाँ पर सीड्स लास्ट विंटर के गिरे होंगे और फिर समर में ही ये ग्रो हो गए, तो मैंने इनको निकाला नहीं था। तो ये खिले तो काफ़ी दिन से हुए हैं और इसके बहुत सारे प्लांट्स और फूल जो हैं खिल के ख़त्म भी हो गए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी क्वांटिटी में ये फूल खिले हुए थे, तो बस मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गई थी इसकी वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि आज मेरे पास कोई और टॉपिक भी नहीं है इजी सा, तो चलो आज यही वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं और आप लोगों को भी शेयर कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मिनी जो एस्टर की वैरायटी होती है, एस्टर कहें या एस्टर, तो एस्टर की वैरायटी शायद नहीं होती है ये मिनी साइज़ में। तो मेरे पास, मैंने पहली बार इसको देखा है, मैंने कभी नर्सरी में भी ऐसा प्लांट नहीं देखा है। आप इसके जो फूल हैं बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं और जो इसके फूल हैं प्लांट से थोड़े से बड़े हैं, और प्लांट बिल्कुल ही छोटा है कहें तो। इसकी जो पौध जैसा ही है, जैसे हम अगर इसके फ्लावर की सीडलिंग करें तो उसके बाद जो इसकी सैपलिंग हल्की हल्की छोटी छोटी तैयार होती है, बिल्कुल उतने साइज़ का ही ये प्लांट है। ये 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है। इसमें मैंने रेन लिली भी लगाई हुई है और साथ में एक रोज़ का प्लांट है काफ़ी पुराना, और इसी के पीछे मैंने इस तरह से एक प्लांट इसका शायद 1-2 लगा दिए होंगे और मुझे भी अच्छे से याद नहीं था। तो आप देखिए, यहाँ पर ये जो है हर सीज़न में अपने आप ग्रो हो जाता है, लेकिन इस सीज़न में मैंने इसका एक नया ही रूप देखा है। तो मेरे पास मैंने सोचा है कि मैं इसकी जो पौधे निकाल के किसी और पॉट में भी ग्रो करूं, बट हो सकता है कि क्योंकि ये समर की तैयार हुई सीडलिंग है तो हो सकता है कि वो सूख जाए, लेकिन मैं 1-2 प्लांट जो है इसके निकाल के ट्राई ज़रूर करूंगी और इसके बाद आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो आप देख सकते हो इसकी और भी छोटे छोटे इसके प्लांट्स निकल रहे हैं और उनमें अभी कोई भी बर्ड्स या फूल नहीं आए हैं, लेकिन काफ़ी सारे फूल काफ़ी दिनों से निकले हुए हैं। मैं थोड़ा सा मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो अब देख सकते हो मेरे नेल से भी छोटा फूल है ये एस्टर का, लेकिन इसके जो फूल होते हैं आप अगर सर्च करके देखें तो काफ़ी बड़े होते हैं इसके कंपैरेटिवली। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मैंने अपने गार्डन में कुछ ना कुछ हमेशा नया पाया है, शायद सभी पाते होंगे, क्योंकि हम नेचर के जितना करीब हैं फिज़िकली हम या फिर बोले माइंड से दूर है उतना ही, क्योंकि चाहे हमारे पास घर में पौधे हों लेकिन हम कभी उतना ज़्यादा उसके पास नहीं जाकर देखते हैं या उसको नहीं समझते हैं या मेंटली उसके बारे में नहीं सोचते हैं कि ये ऐसा भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ नई इन्वेंशन मेरे गार्डन में हुई है, तो इससे पहले भी मैंने काफ़ी बार देखी हुई है, शायद ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन मैंने ये पहली बार देखा है तो मेरे लिए ये नेचुरल नहीं है। तो आई होप आप लोगों ने अगर इसको देखा है ऐसे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
तो अगर वीडियो आज की आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।